हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर। ऑप्शन नंबर वन 6.5 डियोप्टर, ऑप्शन नंबर टू माइनस ऑफ 6.5 डियोप्टर, ऑप्शन नंबर थ्री प्लस 7.5 डियोप्टर, ऑप्शन नंबर फोर माइनस ऑफ 0.75 डियोप्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इन की कॉन्सेप्ट वी विल लर्न अबाउट नेट पावर। तो देखिए, अगर मान लेते हमारे पास दो लेंस है, बी इट कॉन्वेक्स बी इट कॉनकेव, कोई भी हो सकता है। सो मान लेते कोई भी दो लेंस है हमारे पास, एक ऐसा है मान लेते हैं एंड दूसरा हमारा ऐसा है, और ये दोनों लेंस को हमने कंबाइन कर दिया। इसको हम लोग बोलेंगे लेंस वन एंड दिस इज आवर लेंस टू। अब लेंस वन का पावर हम लोग बोल देते हैं पी वन एंड लेंस टू का पावर हम लोग बोल देते हैं पी टू। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होके जो पावर आएगा हमारे पास, जिसको हम लोग नेट पावर बोलेंगे पी नेट, दैट विल बी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू। और पावर पी इज इक्वल टू होता है 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स, या फिर होता है 100 बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और एक हमारे पास कॉनकेव लेंस है। तो देखिए, हमें पता है कि ये मान लेते हमारे पास अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सो कोई भी रेज अगर पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो इट पासिस थ्रू दी फोकस, सो ये हमारा फोकस हो जाता है एंड दिस लेंथ इज दी फोकल लेंथ, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंसेस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, सो दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द ऑपोजिट इज टेकन एज नेगेटिव। तो फिर देखिए, यहां से हमें क्या मिलेगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव। और देखिए, अगर हम लोग कॉनकेव लेंस देखे, सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, कोई भी रेज अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो इट डाइवर्जेस ऐसे, बिकॉज हमें पता है कि कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, सो इट अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। ये जो रे है ये अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज द फोकल लेंथ। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज टेकन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर एंड दैट इज टेकन एज नेगेटिव, और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बोले सो इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर हमें गिवन है, सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एफ वन हमें गिवन है विच इज 80 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ वन इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव। और एफ टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, यहाँ से एफ टू हमें क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अब देखिए, हम लोग पी वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो पी वन विल बी 1 बाई एफ वन इन मीटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 100 बाई एफ वन इन सेंटीमीटर। तो देखिए, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, पी वन इज इक्वल टू 100 बाई एफ वन इज 80। देखिए, एक जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 4 टाइम्स इज 8 एंड 2 5 टाइम्स इज 10। तो यहां से हमें पावर वन मिल गया, पी वन इज इक्वल टू 5 बाई 4। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं पहले, और हम लोग पी टू को फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी टू, सो पी टू विल बी इक्वल्स टू 100 बाई एफ टू इन सेंटीमीटर। सो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए पी टू इज इक्वल टू 100 बाई एफ टू, हमारे पास क्या है माइनस ऑफ 50। तो देखिए, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाई पी टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 डीओप्टर, और यहां से हमें पी वन क्या मिला था 5 बाई 4 डीओप्टर। तो देखिए, अगर 5 बाई 4 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से हमें मिल जाएगा पी वन इज इक्वल टू 5 बाई 4 था, तो 5 बाई 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.25 डिओप्टा, और पी टू हमारे पास क्या आया था माइनस ऑफ 2 डिओप्टा,
तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड दी नेट पावर। सो नेट पावर कैसे फाइंड करेंगे, तो पी नेट विल बी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू। सो दिस विल इम्प्लाई द नेट पावर पी नेट इज इक्वल टू पी वन विच इज 1.25 और पी टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 डीओप्टर, माइनस ऑफ 2 डीओप्टर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए पी नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.75 डीओप्टर। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। इफ यू चेक द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, माइनस ऑफ 0.75 डीओप्टर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।